हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर ऑन चैप्टर फिफ्थ, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज द फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव्स द फॉल्स रेशियो. इफ यू आर यूजिंग द फॉल्स अकाउंटिंग डेटा इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यू आर calculating the ratios according to that data, so it will give you the false ratio also. For example, if the stock of the company is 1 lakh rupees and you are showing this in your financial statement with 2 lakh rupees, so it will increase your profit and will show the financial soundness of the company better. मतलब कि यहाँ पर आपने क्या किया, you show the closing inventories to be overvalued, not only the profitability will increase, not only the profitability will overvalued, but also the financial position will appear to be better. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अगर आप accounting data false use करते हो तो it will give you the false ratio also. Second point is ratio analysis become less effective due to the price level changes. If there is a change in the price level, then it will be less effective. The ratio analysis will be less effective. How? Let's just understand with the example. A firm selling 200 shirts in 2018 at the rate of 20,000. And the same firm selling the 200 shirts in 2019 at the rate of 25,000. So there is no change in the quantity of the shirts which you are going to sell in 2019 also, but there is a change in the price level. तो यहाँ पर अगर रेशियो अगर हम देखेंगे तो फर्म क्या, जो आपका रेशियो एनालिसिस है वो क्या दिखाएगा कि आपकी जो सेल्स हैं वो 50% से इंक्रीज हो गई हैं, बट देर इज नो इंक्रीमेंट इन दी सेल्स. आपका जो 200 शर्ट्स आप 2018 में सेल कर रहे थे, वही 200 शर्ट्स आप अपने 2019 में भी सेल कर रहे हैं. वहाँ पर आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, बट प्राइस लेवल में चेंज आया. लेकिन जो आपका रेशियो एनालिसिस है वो आपको ये दिखाएगा कि आपकी जो सेल्स हैं वो 50% से इंक्रीज हो गई हैं. सो ये मिसलीड करेगा आपको. थर्ड इज द कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ द डिफरेंट फर्म अडॉप्टिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. इफ टू फर्म्स आर अडॉप्टिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर बोथ द फर्म विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्म ए इज कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मैथड एंड फर्म बी इज कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द रिटन डाउन वैल्यू मैथड, तो देर इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर द फर्म ए विद फर्म बी. So it is very difficult to compare the data with firm A and firm B because they both are using the different accounting policies. Fourth is window dressing. Window dressing kya hai ab? Window dressing means some companies, in order to cover up their bad financial position, resort to window dressing. Window dressing is like that showing a better position than the one which really exists. मतलब आप क्या करते हैं, आप अपने डेटाज को अच्छा दिखाते हैं, एक्चुअल में आपके जो डेटाज हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन विंडो ड्रेसिंग से आप क्या करते हैं, अपने डेटाज को थोड़ा अच्छा दिखाते हैं. कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं इससे. इफ़ अ फर्म्स करंट एसेट इज 2 lakh एंड फर्म करंट लाइबिलिटी इज 1 lakh एंड द करंट रेशियो इज 2:1, इट इज़ द आइडल रेशियो. बट इफ यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 1 lakh इन मार्च, तो आपको पता है कि आप अपने डेटाज जो हैं वो अप्रैल तक, मतलब कि आप अपने डेटाज जो हैं वो अप्रैल तक कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च के एंड में आपका क्या करते हैं, आप खत्म करते हैं. लेकिन आप क्या करेंगे, अगर मार्च के अंदर आप परचेज कर रहे हैं गुड्स को ऑन क्रेडिट, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो भी 1 lakh से इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब कि आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो 3 lakh की हो जाएंगी, और आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर जो गुड्स परचेज किए हैं वो क्रेडिट पर परचेज किए हैं, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं वो 2 lakh की हो जाएंगी. लेकिन इससे जो होगा, आपका जो रेशियो, आइडल रेशियो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. कैसे, जो आपकी करंट रेशियो है वो कैसे होगी, 3:2, मतलब कि 3:2, जिसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो कितने की होगी, 1:5:1, विच इज़ नॉट द आइडल रेशियो. तो आप क्या करेंगे, ये जो परचेज आपने मार्च में किया था, इसको आप किस में शो करेंगे, अप्रैल में शो करेंगे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब कि आप उसे नेक्स्ट ईयर में शो करेंगे दैट यू परचेज समथिंग ऑन क्रेडिट. आप उसे मार्च में शो नहीं करेंगे ताकि आपका आइडल रेशियो डिस्टर्ब ना हो. तो कुछ फर्म्स क्या करती हैं, विंडो ड्रेसिंग करती हैं, जिससे कि क्या होता है, उनका जो डेटा होता है वो मैनिपुलेट वो कर देती हैं थोड़ा बहुत. फिफ्थ इज द लैक ऑफ द प्रॉपर स्टैंडर्ड.
अब क्या है, फर्म टू फर्म जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल डिफर होती हैं, जो कि मतलब मान लो कि अगर एक फर्म का कुछ सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो है, वो क्या है टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक्चुअल में वो मेंटेन नहीं कर सकती है, जिससे कि उनका जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्रॉपर स्टैंडर्ड भी लाइक आपको पता है कि आपके जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली में, जो हमारी जो करंट रेशियो जो होती है वो 2:1 होती है, जो कि जिसमें हमारी जो करंट एसेट्स होती हैं उनका जो ट्वाइस होना ज़रूरी है हमारी करंट लाइबिलिटीज से। लेकिन अगर क्या है, वही कंपनी बैंक से लोन दे देती है और बैंक लोन देता है कंपनी को, उससे क्या होगा कि उसकी जो करंट रेशियो है वो कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि उनके जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन नहीं हो पाएंगे। तो लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड इज ऑल्सो द लिमिटेशन फॉर द अकाउंटिंग रेशियो। 6th पॉइंट इज रेशियो मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ द एब्सोल्यूट डेटा। अगर आपके पास सिर्फ रेशियोज़ हैं और आपके पास एब्सोल्यूट डेटा नहीं है तो इट विल मिसलीड यू। हाउ, लेट जस्ट अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। इफ़ द फर्म इज सेलिंग 10 लाख मीटर क्लोथ इन 2017 एंड 15 लाख मीटर क्लोथ इन 2018, तो इसकी जो प्रोग्रेस है वो कितनी होगी, 50% होगी। और इसी तरह से फर्म बी जो है वो 10,000 मीटर क्लोथ सेल कर रही है इन 2017 एंड इन 2018 वो 15,000 मीटर क्लोथ सेल कर रही है, तो इसकी जो प्रोग्रेस है वो 100% होगी, है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें, जो इनका एब्सोल्यूट डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो जो फर्म ए जो है वो ज़्यादा कपड़ा सेल कर रही है एज कम्पेयर टू फर्म बी। इट मीन्स जो फर्म ए जो है उसकी प्रोग्रेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्म बी, लेकिन वो क्या है, रेशियोज़ जो हैं वो मिसलीड कर रही हैं आपको। वो रेशियोज़ क्या दिखाएंगे आपको कि फर्म बी जो है वो प्रोग्रेशन में ज़्यादा है, बट एक्चुअल में जो फर्म ए है उसकी प्रोग्रेशन रेट क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज दे आर सेलिंग दी मोर क्लोथ, मोर क्वान्टिटी। 7th इज इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अब ये भी क्या करते हैं, ये क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करती हैं, लाइक द करेक्टर ऑफ द प्रोपराइटर एंड द मैनेजरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन आर इग्नोर्ड। मान लो अगर आप किसी को क्या करते हैं, पैसा उधार पर देते हैं, अब आपको ये नहीं पता कि वो आपको पैसा लुटाएगा या नहीं लुटाएगा, तो इस तरह से आपको उसके कुछ करेक्टर्स का, उसके मैनेजरल एबिलिटी के बारे में नहीं पता चलता, आपको रेशियोज के अकॉर्डिंग सिर्फ यही पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजिशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी कैसी है, लेकिन आप उसके क्वालिटेटिव डेटा को क्या है वहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, उसके क्वालिटेटिव डेटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। 8th पॉइंट इज रेशियो अलोन आर नॉट एडिकेट फॉर द प्रॉपर कंक्लूजन, विच मीन्स दैट रेशियो अलोन इज नॉट द एडिकेट फॉर द प्रॉपर कंक्लूजन। समटाइम्स एनालिसिस क्या करते हैं, वो रेशियोज को कैलकुलेट तो करते हैं, लेकिन उससे वो उसकी बैड और गुड पोजिशन, मतलब कि फर्म की जो बैड और गुड पोजिशन है, वो फाइनेंशियल पोजिशन जो है फर्म की, उसके बारे में पता नहीं लगा पाते, और ये मेयरली ये इंडिकेट करती है कि फर्म हेल्दी ट्रेंड में है या अनहेल्दी ट्रेंड में है। तो हम सिर्फ रेशियो एनालिसिस की हेल्प से ये पता नहीं लगा सकते कि हमारा जो फर्म है उसकी पोजीशन किस तरह से है। एक एनालिसिस्ट को क्या करना पड़ता है, मतलब कि रेशियोज़ के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टूल्स का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि वो ये कंक्लूज़न निकाल सके कि फर्म की जो ट्रेंड है वो कैसी है। तो सिर्फ एक रेशियो के ऊपर वो फोकस नहीं करता, वो बाकी और टूल्स को भी यूज़ करता है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। 9th इज इफेक्ट ऑफ द पर्सनल एबिलिटी एंड द बायसनेस ऑफ द एनालिस्ट। अब कई बार क्या होता है कि जो एनालिस्ट होता है वो अपनी ही पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अपनी ही पर्सनल एबिलिटी के ऊपर वो क्या करता है, कंक्लूजन निकालता है। जिस तरह से मान लो कि अगर आपने क्या करना है, आपने रेशियोज का कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं, या कुछ एनालिस्ट ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से करते हैं, कुछ एनालिस्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, इस तरह से करते हैं। तो मतलब हर कोई अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, हर कोई अपने अपने लेवल के ऊपर क्या करता है, अपनी पर्सनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपनी क्या करता है, कैलकुलेशन करता है रेशियोज़ की। तो हम सिर्फ, मतलब कि हम ये भी क्या करता है, ये भी एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस की, कि एक एनालिस्ट, मतलब सारे एनालिस्ट सेम तरीके से कैलकुलेशन नहीं करते, कोई डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करता है, कोई डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करता है। सो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द रेशियो एनालिसिस। 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड यूज़ ऑफ अ सिंगल रेशियो। अब एक एनालिस्ट जो है वो एक सिंगल रेशियो के ऊपर कभी भी क्या होगा, विश्वास नहीं करेगा। अगर क्या है कि उसको क्या करना है, अपनी कंपनी की करंट रेशियो, मतलब कि उसको लिक्विडिटी जाननी है कि उसकी कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, तो वो सिर्फ करंट रेशियो से ही सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, वो क्या करेगा, क्विक रेशियो को भी क्या करेगा,
कैलकुलेट करेगा, वो इन दोनों रेशियो से कैलकुलेट करेगा कि उसकी जो फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन किस तरह की है। तो मतलब कि अगर वो क्या है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फर्म की जो करंट रेशियो है वो तो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन उसकी क्विक रेशियो क्या होती है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाती है। तो इसलिए सिर्फ एक सिंगल रेशियो क्या है पूरा जज नहीं कर सकती उसकी लिक्विडिटी रेशियो को। अगर उसको लिक्विडिटी रेशियो जानना है तो उसको क्विक रेशियो को भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा, सो दैट टू कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो ऑफ द फर्म। थैंक यू सो मच।